कुछ देरी से ही सही, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज आखिर रिलीज हो ही गई। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फिल्म बंदूक की धाएं धाएं से भरी हुई है और कुछ कुछ गैंग्स ऑफ वासेपुर की याद दिलाती है। फिल्म में बाबू यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रोल में है, जो सुपारी लेकर लोगों की हत्या करता है। इस बीच एक दिन उसकी मुलाकात गाँव में जूते सिलने वाली फुलवा यानी विदिशा से हो जाती है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है। तीसरे किरदार जतिन गोस्वामी है और ये बाबू मोशाय यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपना गुरु मानता है और जीवन में उसकी तरह ही बनना चाहता है। बांके एक हादसे में बाबू की जान बचाता है। दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद बाबू बांके को अपने घर ले आता है। अब फुलवा, बाबू और बांके तीनों साथ रहने लगते हैं। तीनों खूब मस्ती करते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन फिर एक हादसा होता है और बाबू की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। फिर शुरू होता है एक नया दौर, जिसमें प्यार और बदले के बीच फिल्म की पूरी कहानी घूमती रहती है। फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज का निर्देशन कुशान नंदी ने किया है। फिल्म में गाली गलौज और डबल मीनिंग भाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है। हालांकि फिल्म की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले कुछ कमजोर है, लेकिन नवाजुद्दीन ने अपनी प्रभावी अदाकारी से उन्हें छिपा लिया है। नवाज के बोले डायलॉग पहले ही काफी मशहूर हो चुके हैं। नेचुरल एक्टिंग किसे कहते हैं, इसका नवाज से अच्छा उदाहरण आज के दौर के एक्टर्स में से किसी का नहीं हो सकता। नवाज ने फिर साबित कर दिया कि उनमें अपने दम पर फिल्म चलाने की क्षमता है। विदिता ने भी बखूबी काम किया है और दिव्या दत्ता भी बहन के रोल में प्रभावी दिखी है। फिल्म में गालियों की भरमार है, सेक्स सीन है और फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन इसके साथ ही हल्की फुल्की कॉमेडी भी है, जो आपको कभी बोर नहीं होने देती। एक के बाद एक रहस्य खुलते हैं, जो आपका ध्यान फिल्म से भटकने नहीं देते। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।